जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं पिछले काफी वीडियो से आपको विभिन्न ग्रहों की दशाओं में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में बता रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा के बारे में बताया था कि राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के बारे में बताया था कि सूर्य की अंतर्दशा हो तो किस तरह के फल होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए ऋषि पाराशर जी ने स्पष्ट रूप से बृहत पाराशर होरा शास्त्र में बोला है कि राहोर अंतर गते चंद्रे स्व क्षेत्र गे स्वच्छ गये भी वा केंद्र लिप्त कोण लाभे वा मित्र रक्षे शुभ संयुक्त। क्या बोलते हैं कि राहोर अंतर गते यानी राहु की महादशा के अंतर्गत चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र स्व क्षेत्र स्व राशि में हो, स्वच्छ उच्च राशि में हो वा केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो या केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, मित्र रक्षे सम संयुक्त मित्र ग्रह से दृष्ट हो मित्र राशि में हो तो क्या होगा, राजत्वम राजपूज्यतम धनार्थ धन लाभ करते हैं। राजा की राजत्व राजपूज्यतम राजा की सुख की प्राप्ति होती है, राज की प्रीति प्राप्ति होती है, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलती है, प्रमोशन होता है, धनार्थम धन लाभ करते हैं, धन का लाभ होता है, धन का आगमन होता है, आरोग्यम भूषण चैव मित्र स्त्री पुत्र संपद है। अगर कोई रोग होता है तो वो रोग ठीक हो जाता है और स्त्री और संतान का सुख प्राप्त होता है। पूर्ण चंद्रे फलम पूर्णम पूर्ण चंद्रे फलम पूर्णम राज प्रत्याशुभवहम। अगर चंद्रमा पूर्ण हो, पूर्ण चंद्रमा हो, आप जानते हैं कि पूर्ण चंद्रमा कब होता है, क्षीण चंद्रमा कब होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से। अगर चंद्रमा पूर्ण हो तो राजा की प्रीति मिलती है और आपके लिए समय शुभ होता है। अश्ववाहन लाभम अश्ववाहन लाभम का मतलब होता है कि हाथी घोड़ों का लाभ मिलता है, यानी मकान वाहन की प्राप्ति होती है, भूमि की प्राप्ति होती है, गुरु क्षेत्रादि वृद्धि करता है, यानी भूमि की प्राप्ति होती है, मकान की प्राप्ति होती है, वाहन की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने बताया है कि राहु की महादशा हो और चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र स्व राशि में हो या उच्च राशि का होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो या एकादश भाव में हो, मित्र राशि में शुभ ग्रह से युत हो तो राज्य लाभ राज सम्मान धन लाभ आरोग्य आभूषण की प्राप्ति, मित्र पत्नी संतान से सुख, राजा से मैत्री, अश्ववाहन का लाभ यानी हाथी गुणों का लाभ, वाहन का लाभ, मकान का लाभ, घर की वृद्धि, भूमि की वृद्धि, और चंद्र पूर्ण बली हो तो पूर्ण फल मिलते हैं और चंद्रमा क्षीण बली हो तो थोड़े अल्प फल मिलते हैं। इसके बाद कहा है कि दायशात सुख भाग्य स्थे केंद्रे व लाभ गेयपी व लक्ष्मी कटाक्ष चिन्हानी ग्रहे कल्याण संभवा सर्व कार्यार्थ सिद्धि स्याद धन धान्य सुखावह सत्कीर्ति लाभ सम्मानम देव्या राधन माचरेत। ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब भी बिल्कुल स्पष्ट है कि चंद्र की राहु की महादशा हो और चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र सुख भाग्यस्थे यानी सुख भाव के स्वामी के साथ या नवम भाव के स्वामी के साथ हो या शुक्र चौथे भाव में हो, चंद्रमा यदि महादशा स्वामी से, एक बात बता रहे हैं कि महादशा स्वामी से कहां हो, चंद्रमा यदि महादशा स्वामी कौन है, राहु, उससे चौथे भाव में हो, नवम भाव में हो या केंद्र या एकादश भाव में हो, त्रिकोण में हो तो घर में लक्ष्मी की कृपा से कल्याण प्राप्त होता है, सर्व कार्यार्थ सिद्धि सारे कार्यों की सिद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुखावह सुख की वर्षा होती है, सत कीर्ति लाभ सम्मानम आपकी कीर्ति फैलती है, आपका यश फैलता है, चारों तरफ से आपको लाभ और सम्मान की प्राप्ति होती है और देवताओं की आपके ऊपर कृपा होती है। तो चंद्रमा को ये भी देख लेना चाहिए कि महादशा स्वामी से वो चौथे भाव में नवम भाव में तो नहीं या केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में तो नहीं, अगर ऐसा है तो ये सब फल आपको प्राप्त होंगे। फिर कहते हैं कि दायशात षष्ठ रंध्रस्ते व्यय व बल वर्जित, षष्ठ मीन्स छठा भाव, रंध्र मीन्स आठवां भाव, व्यय मीन्स बारहवां भाव, कि अगर दशा स्वामी से छठे आठवें या बारहवें भाव में हो, मैंने आपको बताया था कि महादशा स्वामी से भी देखना जरूरी है, जैसे लगन से हम लोग देखते हैं दशा अंतरदशा के बारे में कि कौन से भाव की अंतरदशा चल रही है, कौन से भाव में बैठे ग्रह की अंतरदशा है, ऐसी महादशा स्वामी से भी देखना चाहिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो महादशा स्वामी से कौन से भाव में बैठा हुआ है, क्या छह आठ बारह भाव में बैठा हुआ है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर छह आठ बारह भाव में बैठा है तो वो भी दशा अच्छी नहीं होती, नुकसानदायक होती है। तो वही उन्होंने बोला है कि दायशात षष्ठ रंध्रस्ते
वैवा बल वर्जिते पिशाच शुद्र व्याघ्र दैर्घ्य ग्रह क्षेत्राधि नाशनम। यदि महादशा स्वामी से चंद्रमा त्रिक भाव में हो, छठे आठवे बारहवे भाव में हो और क्षीण हो, क्षीण चंद्रमा हो, तो उसके अंतर्दशा में भूत प्रेत हिंसक जीवों से और ग्रह एवं कृषि की हानि होती है, भूत प्रेतों का डर रहता है, मार्ग में चोरों का भय रहता है और चोट आदि रोग हो जाते हैं, चोट लगने की संभावना हो जाती है और पेट के रोग भी होते हैं। मार्ग है चोर भयम, यानी मार्गों में चोर का भय रहता है। व्रणाधिक्यम, यानी व्रणाधिक्यम मीन्स के चोट के लगने की संभावना होती है। द्वितीय दुन्नाते तु अप मृत्यु सदा भवेत। अब यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि द्वितीय यानी चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी हो या द्विन्नाथे या सप्तम भाव का स्वामी हो तो अप मृत्यु सदा भवेत, यानी अप मृत्यु का भय होता है। ऐसी दशा, ऐसी अंतरदशा में जब राहु की महादशा हो और चंद्रमा की अंतरदशा हो और चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी हो या सप्तम भाव का स्वामी हो, जो मारक स्थान हमारे हैं, तो अपमृत्यु का भय रहता है। और ऐसे में शांति के लिए क्या करना चाहिए, श्वेतांगा महिषम ददात विप्रायारोग्य सिद्धये तत् सौख्यम अवाप्नोति चंद्र ग्रह प्रसादते। ऐसे में सफेद गाय या भैंस का दान करना चाहिए, ऐसा करने से चंद्र के आशीर्वाद से सुख की प्राप्ति होती है। इसकी एक यही रेमेडी है जो बृहत पाराशर वोरा शास्त्र ने कही है कि किसी की राहु की महादशा हो और उसमें चंद्र की अंतरदशा हो और चंद्रमा महादशा स्वामी से त्रिक भावों में हो, छह आठ बारह भावों में हो, तो वो चेक कर लीजिए कहीं महादशा स्वामी से छह आठ बारह भावों में तो नहीं है चंद्रमा, तो उसकी अंतरदशा में भूत प्रेत का भय रहता है, हिंसक जीवों का भय रहता है, चोरों से भय रहता है, घाव संबंधी पीड़ा हो सकती है, उदर संबंधी पीड़ा हो सकती है। और द्वितीय और सप्तमी से अगर चंद्रमा हो ऐसी दशा में तो उससे अपमृत्यु का भय रहता है, तो उसके लिए सफेद गाय का दान करना चाहिए, ऐसा करने से चंद्र के आशीर्वाद से सुख की प्राप्ति होती है। ये था इसकी दशा का फल। अब हम पढ़ते हैं कि राहु की महादशा हो और उसमें मंगल की अंतरदशा हो तो कैसे फल मिलेंगे, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा राहु वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि राहु में मंगल हो गया, फिर राहु में राहु हो जाता है, तो राहु में राहु से तो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो उसके बाद हम और दूसरी दशा ले सकते हैं। तो कहते हैं राहु अंतर्गते भाव में लग्ना लाभ त्रिकोण गे केंद्रे वा शुभ संयुक्ते सोचे स्वचित्र गे अपीवा। मतलब कहने का यह है कि देखे लगन से कौन से भाव में अंतरदशा नाथ है, जिस ग्रह की अंतरदशा है वो लगन से कौन से भाव में है, महादशा स्वामी से कौन से भाव में है, ये दो चीज तो आपको देखनी बहुत जरूरी है। अगर लगन से छह आठ बारह में है और महादशा स्वामी से भी छह आठ बारह में है तो नुकसानदायक है। अगर लगन से केंद्र त्रिकोण में है और महादशा स्वामी से भी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है तो फलदायक है, अच्छा होता है। तो यही ये बोल रहे हैं कि मंगल एकादश भाव में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, जिसकी अंतरदशा है राहु की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है, और मंगल केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, उच्च राशि में हो या स्व राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसी दशा में जातक को अगर उसका कोई राज्य या उसकी कोई किंगडम या उसका कोई पैसा नष्ट हो गया है तो वापस आ जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी, घर की वृद्धि होगी, एक मकान है तो दूसरा मकान बनाएगा, इष्ट देव की प्रसन्नता से सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, आभूषण आदि प्राप्त होंगे, वाहन आदि प्राप्त होंगे। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, अगर मंगल जिसकी अंतरदशा है वो एकादश भाव में त्रिकोण में केंद्र में बैठा है राहु की मान, राहु से जिसकी महादशा है। फिर वो कहते हैं तायशात्र केंद्र कोणे वा दुश्चिक्य लाभ गे अपी वा रक्त वस्त्रादि लाभ ऐसे आते हैं प्रयाणम रजो दर्शनम पुत्र वर्गेशु कल्याणम स्व प्रभोश महत सुखम सेनापत्यम महत्सव है भातृवर्ग धनागम। कहता है मंगल यदि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण तृतीय भाव अथवा एकादश भाव में स्थित हो, मंगल यदि महादशा स्वामी से राहु से केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में या तृतीय भाव में स्थित हो तो लाल वस्त्र आदि का लाभ होता है, भ्रमण होता है, राजा का दर्शन होता है, मतलब आप देश विदेश में घूमते हैं, संतान का कल्याण होता है, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको परम सुख मिलता है, प्रमोशन मिलता है उससे आपको, आपको लीडरशिप मिलती है और आपके छोटे भाइयों बहनों से आपको लाभ मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि दायशाद रंद्र रफे वा सस्ते पाप संबंधित, ये वही बात कि महादशा स्वामी से अगर मंगल छठे आठवें बारहवें भाव में हो, महादशा स्वामी कौन है, राहु है, राहु से मंगल यदि छठे आठवें बारहवें भाव में हो
और मंगल की अंतर दशा हो तो क्या होगा, और पाप ग्रह से युद्ध भी हो जाए तो पत्नी संतान को कष्ट होगा, भाई बहनों को हानि होगी, आपका विस्थापन होगा, आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, आपके आपको चोरों का भय रह सकता है, आपको शारीरिक पीड़ा रह सकती है, और दशा आरंभ में आपके साथ कलेश रह सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है यदि मंगल महादशा स्वामी से छठे आठवें अथवा बारहवें भाव में स्थित हो और पाप ग्रह से युक्त हो। फिर कहते हैं द्वितीय जुन नाते तु देह लास्यम महद भयम अर्णवाहम चयगाम दज्ञात आरोग्य सुख लब्धये। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि मंगल द्वितीयेश या सप्तमेश, राहु की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है, और मंगल सेकंड लॉर्ड का स्वामी है और सप्तम लॉर्ड का स्वामी है, इन दो में से किसी एक का स्वामी है, तो शरीर में और उसकी अंतरदशा आ गई तो आलस्य आ जाएगा, भय आ जाएगा, आपके अंदर एक अननेसेसरी भय जागृत हो जाएगा, और ऐसे में दोष निवारण के लिए ये अपमृत्यु का भय भी इसके अंदर हो जाता है, तो इसका दोष निवारण करने के लिए गाय एवं बैल का दान करना, गाय या बैल का दान करना हितकारी होता है, तभी आप इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर राहु में मंगल की अंतरदशा है और मंगल आपका द्वितीयेश है या सप्तमेश है और उसकी अंतरदशा है और आपको समस्या हो रही है, तो उसके निवारण के लिए गाय या बैल का अगर आप दान करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा, आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये था मंगल की अंतरदशा का फल राहु में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।